आपने जाकिर नाइक के साथ क्या किया है, वो तो अच्छा है, मीडिया पे क्या नहीं हो गया, क्या नहीं कहा गया। वो आदमी जिसके हाथ पर 10 लाख लोग ईमान ला चुके हैं, हमारे तो अपने घर वाले नहीं हमें मानते, और मैं अपने आप पर अभी तक ईमान नहीं ला पाया। अपने आप पर भी तो ईमान लाना पड़ता है कि जो मैं कहता हूं उस पर मैं अमल कर दिखाऊं, ये अपने आप पर ईमान है। मैं काशिफ अली नहीं अभी अपने आप कही हुई बातों पर अमल कर पाया। वो जिसके हाथ पे 10 लाख लोग ईमान ले आए और जिसको दुनिया की बदतरीन और गिरी पड़ी हिंदुआना तहजीब ने जद पे रख के अपने शहर से अपने इलाकों से निकाल दिया, उसको जलावतन कर दिया, यानी शिर्क से बढ़कर कुफार में यहूदो नसारा का शिर्क अपनी जगह पे है, लेकिन हनूद का शिर्क तो नजासत और गलाजत की और पस्ती और कमीनगी की इंतहा है, जो जानवरों तक के अजाय जिस्मानी को पूजें, इंसानों के अजाय जिस्मानी को पूजें, जिनके यहां जिस्म औरत का देखना दिखाना कोई ऐब ही नहीं है, वो दासियां बनकर उनके दरमियान में घूमती हैं, जिनके हाथ सिले हुए कपड़ों का तस्वूर नहीं है, वो लपेट लपाट के अपने आप उन कपड़ों के जरिए से। मुझे ये बताइए कि उस तहजीब ने उनको निकाल दिया, क्या हिंदुओं के अंदर एटम बम बनाने वाले मौजूद नहीं हैं, बड़े बड़े साइंसदान मौजूद नहीं हैं, उन्हें अपनी मुआशी तरक्की किस बुलंदी पर ले गए हैं, टाटा और बिरला कंपनीज ने कहा दुनिया में, अंबानी क्या कर रहा है, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम पे अंबानी क्यों नहीं ईमान लेकर आता। हमारी तंजीमें हमारी तहरीकें बहुत ज्यादा मरऊब हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत का एक वो वर्जन पेश करना चाह रहे हैं जिसके अंदर कोई झिड़क ना हो, कोई तौबीख ना हो, कोई डांट डबट ना हो, कोई बेलाग तबसरा ना हो, जूते पे जूता बस आप लोगों को वो मारते जाएं, कोई लिबरल सेकुलर उठ के आप आगे से हाथ बांध के बगैर किसी दिफा के उसकी जारहाना वार का आप उस पे ऊपर जो है बर्दाश्त करते जाएं। ये अब आप ये याद रख लें, जब दावत उठेगी, कुरान मजीद कहता है दावत दीन अल्लाह ने ये चाह लिया है कि इस चिराग को मजीद रोशन करे, चाहे ये अपनी फूकों से चिराग को बुझाने की कोशिश करे। ये चलते हुए फिक्रे, ये कसे गए फिक्रे, ये किसी पे कमेंट्स और तबसरे और किसी की दावत को आप बड़े आराम से निग्लेक्ट कर दें, उसको क्या पता, वो तो जाहिल है, उसको तो इलम ही कोई नहीं है जी, ये तो ये हमारे दीन ने सिखाया, आप हमें बताएं दीन ने क्या सिखाया। मुझे एक यहां पर एक होते थे, अब वो तो पता नहीं, वो मेरे उसमें इज्तिमा में आते थे, मुझे मिले, कहते आप तो बहुत सख्त बातें करते हैं, वो तो किसी को जुमे भेजने के काबिल नहीं, तो आप ना भेजें। आपने वही सुनकर मेरी तरफ रुजू किया था, हाथ जरा हल्का रखें। मैंने कहा कुफर और गुनाह की दुनिया ने आप पर हाथ हल्का रखा है, और आप जिन बातों का इनकार करते चले जा रहे हैं कि इनको बयान ना करो, वो उसकी तालीम दे रहे हैं, लाखों वेबसाइटें करोड़ों चीजें उनकी तैयार हो गई, और हर बंदा अपनी जात की गलाजत में और अपने ही पेशाब और पखाने और नजासत में डूब गया, किसी और का नहीं है, वो उसकी अपनी जात का है। पूरा माशरा फ्रस्ट्रेटेड है, क्या बेटियां क्या बेटे, क्या मर्द क्या औरत, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, जहर अल फसाद फिल बर्रे वल बहर, ना खुशकी बची ना तरी बची। ये कैसी चीज है कि आप देखें भी सब कुछ करें और आप बीमारी का नाम ना लें, बीमारी को डिफाइन ना करें, बीमारी की कॉजेज ना आप बताएं कि इसकी क्या वजूहत है, ये क्यों फैल रही है, उसका तदारक ना बताएं, बीमारी का नाम लेना भी गुनाह है। आपकी सोसाइटी में गेज एंड लेस्बियंस इतने बढ़ गए हैं कि अब आप कहते हैं इनको बयान ही ना करें, आप क्या करूं फिर मैं। बेटियां गई, बेटे गए कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां, उनकी हरकत को बयान नहीं करना, सारी नफ्सियात जिनको आप कहते हैं साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट लोगों के पास जाकर बैठे, वो कहते हैं कि गुनाहों की एक बहुत बड़ा को हमालिया ही पिघल कर हमारी तरफ आ रहा है, जाएं जाकर आप उनसे मुलाकात करें डॉक्टर से, और उनमें वो डॉक्टर्स भी हैं जिनको आप जिनसे आप मशवरा लेने जाते हैं जो खुद उन चीजों में मुबतला होते हैं। मुजदाए जान फिजा ए नवीदे मसीहा, कि मसीहा खुद ही बीमार है।
जिसने आपको खुशखबरी कहता होगा, शायर कहता है खुशखबरी हो आपको कि आपका तो डॉक्टर ही बीमार है, आपका तो मुआलिज ही बीमार है। नाम कहता मेरा इलाज होगा मुआलिज से, मेरी मोहब्बत का ना सुकून आएगा ना मैं चैन में आऊंगा। उम्मत सारी डूब गई। अब आप जाकर नाइक को गालियां दें, अब आप मसलक की आड़ में कुछ कहें, ये जवाब नहीं देना चाहिए था, वो जवाब देना चाहिए था, लड़की को ये नहीं कहना चाहिए था, फलां को ये कहना चाहिए था। ये आदमी जिसके अपने घर वाले बात नहीं सुनते, ये उस आदमी को सबक दे रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर घूमता है और अवार्ड्स ले चुका है, उसको आप सबक दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में मेरी अक्सर सोच रहती थी, और मैं मौलाना मरहूम से भी ये सवाल करता था, और वक्त ने मुझ पर ये यहाँ किया, और वक्त ने मेरे सामने इस बात को लेकर आया, और उस वक्त ने इसको इजहार में लाया कि मुझे एक उम्र लग गई ये बात समझने में कि झगड़ा अच्छी बातों के बारे में क्यों किया गया। सब बातें तो अच्छी थी, अंबिया अलैहिस्सलाम सब बातें अच्छी कर रहे थे। 10 अहकामात जो हैं कि जना ना कर, झूठ ना बोल, चोरी ना कर, अपने हमसाये की बीवी पे आंख ना रख, किसी का कत्ल ना करना, खुदा के साथ शिर्क ना करना, तकब, जितनी भी 10 बड़ी बड़े गुनाह हैं। मतलब अंबिया ने उनको रोका और वो लड़ पड़े। अच्छी बात पे कौन लड़ता है, अच्छी बात पे कौन जंग लड़ता है, कौन? आप आज आप किसी को यार सच बोला करो तो कोई लड़ेगा, शिर्क ना करो कोई नहीं लड़ेगा, फिर नबियों से क्यों लड़े हैं, नबियों से लोग क्यों लड़े? ये वो सवाल है जो मेरे बचपन से उकदा नहीं खुलता था। मैं पूरा कुरान मजीद पढ़ता था, मैं कहता था, मैं खुद देखें, ये मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि मैं थोड़ा, अब तो थोड़ा रफ हो गया हूँ और रूड हो गया हूँ। दैट टाइम मैं बिल्कुल एक इनोसेंट आदमी था, मुझे बिल्कुल बच्चे को नहीं पता था कि ये मासूमियत में मुझे ज़माने के हाथ नहीं लगे थे उस वक्त तक। मैं दीन पढ़ रहा था शुरू शुरू में, ये इतना अच्छा साफ़ सुथरा सफिस्टिकेटेड बावकार बड़ा मोतबर सा और बड़ा अच्छा और बड़ा बड़ा बना सवरा, इतना प्यारा दीन किसको बुरा लग रहा है, और क्यों लोग लड़ रहे हैं इस पर? जैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हाथ बांधने खोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे समझ नहीं आई कि आज तक फातिहा पीछे पढ़ने ना पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं समझ आई। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो फातिहा पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों के बिहेवियर एक से हैं, दोनों खुशू से खाली हैं, दोनों माशरे को लूट रहे हैं, दोनों अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और दोनों तो हीद के प्रचारक हैं, दोनों अहले बैत के दिफा करने वाले हैं। एक ही फिरके के लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, और एक ही फिरके के लोग दूसरे फिरके के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, एक ही फिरके के 50-50 फिरके बने हो, क्यों क्यों, मुझे ये बताएं। और काफर काफर को मार रहा है, या तो एक होता है कि मोमिन इन पर हजूम है, और आप ये देखें कि मोमिन मुल्कों के ऊपर लड़ाइयां होती नहीं इस्लामी ममालिक की, इराक और ईरान की 10 साल रही नहीं कुफार के। जब ये आप सारे हक हैं तो आप अपने अंदर के तजाद को दूर करके मुझे सवाल का जवाब जरूर दें। और याद रखें, दावत के मुकाबले में जब आप बात करेंगे तो ईंट पत्थर गारा नजासत सब कुछ आएगा, उसे घबराइए नहीं। आप दिलेराना तौर पर अपनी जगह पे खड़े रहें, आप छोटे छोटे तबसरों से घबराएं नहीं, आप अपने अंदर कमजोरी ना पैदा करें। लोग तबसरे करेंगे, मेरे उस्ताद को 30 मौलवियों ने जो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, किताबों के मुसन्निफीन हैं और बड़े बड़े अदारों के मालिक हैं, लोग कहते हैं कि उनसे लोग उनके लोग चाहने वाले कहते हैं कि उनसे करामात का जहूर होता है, और उन्होंने उनकी करामतें देखी हैं, उनके अखलाक से उन्होंने गुनाह छोड़ दिए हैं, उनकी तबलीग से उन्होंने बदकारियां छोड़ दी हैं, फाशियां छोड़ दी हैं। वो लोग कहते हैं हम इनके तकवे के दिन रात के गवाह हैं, और वो पैसे की तलब नहीं है उनके अंदर, उन्होंने फतवा दिया कि ये आदमी गुमराह है। तो मुझे ये बताइए, क्या उनका फतवा मैं हक मान लूं, मैं उनका फतवा हक मान लूं? दुनिया में यह बात तयशुदा है कि मौलाना मौदूदी के अफकार अपनी जगह पे, लेकिन उनके अखलाक और उनके किरदार के बारे में उनके दुश्मन भी गवाहियां देते हैं, लेकिन कुफर का फतवा है या नहीं है, उनकी ये बात गलत है, उनकी वो बात गलत है। चंद जमातें पढ़ा हुआ आदमी गुफ्तगू करने से पहले और तबसरे से पहले, फेसबुक से बदतरीन चीज आज तक दुनिया में नहीं आई, जिसके नीचे कमेंट्स सेक्शन खुला है
और हर वो आदमी जिसके हाथ में बस गलती से मोबाइल आ गया है, वो गाली भी देता है और वो नजासत भी लिखता है और वो गलाजत भी लिखता है और वो उसके ऊपर जो चीज चाहा उसका तबसरा कर। तो आपके इस दौर में लोगों की आरा और उनकी अफकार को तराजू बना लिया गया है कि उसके अंदर तोला जाए कि कितने लोगों ने इसको शेयर किया, कितने ने इसको लाइक किया और कितने ज्यादा अच्छे कमेंट्स किए, और आपने भी फिर उसको हक का मियार बना लिया। ये कब कुरान का मियार है? यक्तुलून नबीन बगैर हक। नबी तो अल्लाह ने कहा मासूम थे वो बेचारे। इतना अच्छा जामे तबसरा, दुनिया में तबसरा नहीं मैंने आज तक ऐसा तबसरा देखा। जबी तो अपनी आंखों का नूर कहता हूं, जबी तो चाहता हूं कि जिंदगी भर उसी के पीछे चलता 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 शायद नजात पा जाऊं। जबी तो उसका नाम लेने के बाद दिल रोशन हो जाता है, दिमाग रोशन हो जाता है। जब अपने पराए मुझ पे तरह तरह की बातें करके मुझे कमजोर करते हैं तो वो एक गुजरा हुआ इंसान मुझे इतना हौसला दे देता है, इतना हौसला देता है कि रात की तारीकियों में, दिन की रोशनियों में, जब मैं गुमराह होने लगूं, जब मैं गुनाह की तरफ मायल हूं, जब मैं मायूस हो जाता हूं और जब मैं कमजोर पड़ना शुरू हो जाता हूं और जब मैं दीन की राह से भिदकता हूं और पीछे पर कदम रखने की कोशिश करता हूं, तो ऐसे में वो आदमी आगे बढ़ता है और उसका तबसरा मेरे आगे बढ़ता है। ये वो आदमी है जिसने सन 2003 में मौलाना इसहाक साहब ने इसका इस पर जुमा पढ़ाते हुए कहा कि मैं मोहम्मद इसहाक हज पर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करते हुए गुमराह होने लगा था तो इस आदमी ने मुझे थाम लिया। मैंने जिंदगी भर मौलाना की कोई कैसेट नहीं खरीदी, मैंने एक ही खरीदी है। शफीक से कोई कैसेट नहीं खरीदी मैंने, 22 सालों में मैंने एक कैसेट खरीदी उनकी। मैं अपने एमए का पेपर देकर आया था, मौलाना हज से हज करके आए थे, मुझे वो जगह बाहर की जो सफ़े थी वहाँ मिली, क्योंकि लेट हो गया मैं वहाँ से जल्दी से भागा तो उतनी देर तक मौलाना मेंबर पर अभी जलवा अफरोज़ होने वाले थे। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वो बैठ कर इंतहाई 103-4 बुखार मुझे चढ़ा हुआ था और मैंने वो जिस तरह से सुना मुझे पता, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के लिए मसले रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के रास्ते में जाते हुए ख्वाब देखा और आपने उठते ही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके बड़े बेटे जनाबे अली अकबर ने आपसे सवाल किया, अब्बा जान खैरियत हुई? कहा मैंने ख्वाब देखा कि एक घुड़सवार हमारे काफिले के साथ साथ चलता है और वो कह रहा है कि ये सारे लोग अपनी तरफ से तो सफर कर रहे हैं मगर ये नहीं जानते ये मौत का सफर कर रहे हैं। तो अली अकबर ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जान क्या हम हक पर ना हैं? तो जनाबे इमाम आशिका पूरे बतूल, हमारे सर के ताज और आंखों की रोशनी और दिल के सुरूर, हमारे नबी के दिल का चैन, आपने कहा प्यारे बेटे हम हक पर हैं। तो उसने कहा अब्बा अगर हम हक पर हैं तो किस बिना पर हम परेशान हैं? फरमाया हम परेशान नहीं हैं, हम अपने मकसद के लिए जा रहे हैं। तो आपने फरमाया बेटा उनका हम अगर कत्ल हो जाएं खुदा की राह में? तो उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रख, इस दुनिया की बदबख्ती में इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि वक्त का पाक पकीजा वो नबी जिसके बारे में रसूल ने ये कहा है कि उसके दिल में कभी गुनाह का ख्याल भी नहीं आया, जिसका नामे नामी इसमें ग्रामी अल्लाह ताला ने खुद रखा और मियां बीवी बुढ़ापे में थे उसमें से निचोड़ के अल्लाह लाया और वो एक वक्त में दो नबी इकट्ठे हुए और एक वो था जो रूह अल्लाह था और एक ये नबी था। उस हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर काटकर एक रंडी और तवायफ और कंजरी के कदमों में रख दिया गया, उसकी ख्वाहिश पे रखा, उसका बेटा इससे बड़ी दुनिया के अंदर तुम क्या चाहते हो? दर्दनाक तरीन मेरी जिंदगी में अगर कोई हादसा है ना तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का है। मैं जितनी बार भी रोया हूं हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को याद करके रोया। हम बदकारों और गुनाहगारों के जिनके दिल में 24 घंटे गुनाह रहता है और एक जिसको कभी गुनाह का ख्याल ना छुआ हो
और खुदा ने कहा कि मैंने उसे शैतान से महफूज कर लिया था, उस आदमी का अल्लाह के दीन की खातर सर काटा गया और एक तवायफ की फरमाइश पर काटा गया और काट कर उसके कदमों में डाल दिया गया, वक्त के उस पाको पकीजा और मुकद्दस और मुअत्तर नबी के साथ ये जुल्म किया इस इंसानियत ने। इसके बाद कोई आपकी दावत दीन पर कोई उंगली उठाए, कोई कहे ये जवाब ठीक नहीं था, सही नहीं था, ये नहीं ये कहना चाहिए था, तो भाई आप अपनी तरफ गौर फरमाइए कि आप जहालत के जो पुतले हैं और जिसके अपने आप पर वो खुद ही मान नहीं लाया आज तक, वो एक ऐसे आदमी पे तनकीद करता है कि जिसके सामने लाखों लोग हैं और आपको ये नहीं कहना चाहिए था। और इसमें एक सियासी जमात जो बैन है और अपना नतायज भुगत रही है उसके मानने वाले इसलिए पेश पेश हैं कि ये वो उनकी मुखालफ जमात के दौर में इस आदमी को बुलाया गया नून लीग के दौर में, तो उसका एक अच्छा इमेज खराब करने के लिए कॉलम लिखवा दिया गया, क्योंकि वो यहूदियाना तौर पर फैल चुके हैं अब आपके पूरे मुल्क में, अब ये इनका निकलना नामुमकिन है, ये नस्ल मरेगी फिर आएगी, फिर मरेगी फिर आएगी, बार बार बहुत तवील काम यहूदों ने सारा ने मिलकर सर जोड़ कर किया ये काम, अब आप जाएं सारी जिंदगी भुगतते रहे, ये नहीं आनी खिलाफत ना इन्होंने आने, इस्लाम के नाम पर इस्लाम को रोकने का तरीकाकार कैसा वारदात की गई, आप उस आदमी पर तबसरे कर रहे हैं। कुरान मजीद आपने कभी पूरा पढ़ा नहीं, बच्चे आपके घर के अंदर आपकी बात नहीं मानते, अहलिया सुनने को तैयार नहीं, माएं बहनें बेटियां हाथों से हमारे निकल गईं, हिजाबों और दाढ़ियों के इतनी लंबी दाढ़ियों वालों के साथ बेहजाब बेटियां फिर रही हैं, सरों पे लड़के माओं ने दुपट्टे लिए हैं, बेटियां गिरेबान खोले खड़ी हैं, लड़के दीन का मजाक है। इकबाल ने वो शेर लिखा एक सनाई का, उसने कहा और रोजे स्या गनी और रोजे स्या गनी, कश्मीरी एक बहुत बड़ा शायर हुआ है, उसने कहा गनी इससे बड़ी क्यामत दुनिया के अंदर क्या आएगी कि यूसुफ जिसको देख देख के जुलैखा आंखें ठंडी करती थी और नूर बरती थी अपनी आंखों में, उसका बाप उसकी जुदाई में अंधा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे कुफर की आंखों का नूर हो गए और उनके दिल का सुरूर हो गए। तुम सादात से कम तो नहीं हो, जिसने मान लिया वो सैयद ही तो हो गया, वो दुनिया के अंदर मिराज पा गया, वो अपने नबी के करीब ही तो चला गया, क्या खून ही करीब लाता है? अगर खून करीब लाता है तो वो जो जिन्होंने परवानों ने बदरो ओहद और हुनैन और खंदक में जाने दी थी, जो मक्के की वादियों और घाटियों के अंदर तारीख की तारीख राहों में मार दिए गए, वो सुमैया क्या होगी, वो यासर क्या होगा, वो बिलाल की चीखें क्या होंगी, इनका जुर्म क्या, ये लिखकर इनके दर्जे गिरा दिए जाएंगे कि तुम नबी के खून से और नस्ब से नहीं थे इसलिए हम तुम्हारे दर्जे गिरा रहे हैं? आपको ये पता ही नहीं कि आप उस नबी की उम्मती जब कहलवा लेते हैं तो आप फिर कहां जाके खड़े कर दिए जाते हैं? ओ गाफिल मुसलमान, अपनी खुद ही पहचान, अपने आप को पहचानो गाफिल मुसलमान। कैसा ये मुल्क है कि आपने उसे इक्तसाब करने की बजाय उस आदमी को मुतनाजा और कंट्रोवर्शियल बना दिया, बदबख्त उम्मत, और जिनके दिल के अंदर शिर्क बसता है और कुफर के साए उनके दिलों और दिमाग पर हैं, उन्होंने इतिहाद करके बाइकाट कर दिया। अपने शिर्क की क्या तौजीह देंगे रसूल खुदा को? वो आपके पास आकर कहता है कि ये जो जवान और बालिग 13 साल की लड़की मुझसे दूर रहे, अगर वो मुली सा भी टच कर देती तो मीडिया उसको एक्सपोज ना करता। आप देखते नहीं कि एहतजाजों के अंदर जब सियासतदानों में औरतें मर्दे खुली खुली होती हैं जा रहे होते तो कहीं का किसी का किसी के जिस्म को हाथ टच करता है तो क्या दिखाया जाता है एक्सपोज करके? गंदे गलीज घटिया माशरे के अंदर ऐसी एहतियात करना क्या गुनाह है? एक औरत के इस कंफ्यूजन को दूर करना कि आप एक तरफ कहती हो कि इस्लामी माशरा है और दूसरी तरफ कहती इसमें हम जिंस प्रस्ती हो रही है, तो वो इस्लामी माशरा बहन होता ही नहीं, वो मुसलमानों का तो माशरा हो सकता है, इस्लामी माशरा नहीं हो सकता। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई? आपको यही समझ नहीं आई कि रियासत किसी आदमी को बुलाती है तो वो अपना पर्सनल सामान नहीं लाता, वो अपने सारे आलात लेकर आ रहा है, तो आप उसको जलील करने के लिए, आपके ऑफिसर सारे करप्शन के
वो 10-10 हज़ार के जी का सामान फ्री मंगवाएं, वो जायज है? आपके सियासतदान, आपके जजेस, आपके और वो मुक्तदर अदारे वो मंगवाएं तो वो जायज है? ये इसने कह दिया तो आपने उसे गिला उसका बनता है कि 26 करोड़ मुसलमानों में मैं आया हूं और मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे एयरपोर्ट पर भी आप टेंशन देते हैं। कुफर आपके मुल्क में आए तो आपने कभी नहीं आज तक सोचा ये कितने के जी का सामान आया कितना नहीं आया। ये भाई ये एक कंट्रोवर्शियल बनाने की नफसियात से बाहर आइए, ये मुतनाजा बना देने की नफसियात से बाहर आइए। हक नहीं आ सकता, हक बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े लोग पांव से निकल जाते हैं, समझ गए? और साथ के साथ ही इनके बारे में तो मैं पक्की बात कहूंगा, अगर आपको ये ना समझ आए कि ये हक ठीक नहीं है तो खुदारा आप पीछे हट जाएं, लड़ने दें इस महाज पे। गालियां भी सुनेंगे, फिक्रे भी कसेंगे, हमारी माओ बहनों बेटियों पे भी बातें आएंगी, हमारी जात कंट्रोवर्शियल बनेगी, मेरी बहनों पर आएगी, माँ पर आएगी, कंट्रोवर्शियल बना देंगे। सलमान तासीर के घर की तस्वीरें लेकर क्या किया गया था? मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों के बारे में क्या नहीं इनके मौलवियों ने कहा? लूत अलैह सलाम ने कह नहीं दिया ये खड़ी हैं मेरी बेटियां? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन। नबी का हौसला मैं क्या टूट गए होंगे लूत अलैह सलाम। मुझे तो वो मैंने मौलाना साहब से कहा ये मुझे तो ये ऐसी बातें पढ़ने के बाद मेरा तो जिस्म ही नहीं साथ देता था। ये क्या है कि हक सुनने के बाद और सुनाने के बाद ये सजाएं लाजिम है कि आप एक वक्त आ जाए और अपने आप को पेश कर दें किसी के सामने और अपनी नामूस और इज्जत को पेश कर दें। पाकिस्तान बनने जब बना तो अमृतसर में एक मुस्लिम लीगी के घर को हिंदुओं सिखों ने घेरा डाल लिया और शोरश कश्मीरी लिखता है कि 3 मंजिला उसका घर था तो इन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, जब नहीं टूटा तो छतों के ऊपर से इन्होंने कहा हम हमलावर होते हैं। तो जब उसने ऊपर आते देखे तो उसने अपनी 3 बेटियां थी उनको सामने खड़ा किया और कहा कलमा पढ़ो और अल्लाह के यहां जाओ, मैं तुम्हारी इज्जतें यहां लुटती हुई नहीं देखता। ये अमृतसर है जहां मुसलमान औरतों की छातियां काट दी गई। इन अकालियों ने मुसलमानों की बेटियों को नंगा करके इन्होंने अमृतसर में नचवाया। आप उनको गुरुद्वारे बनाकर देते हैं। बेशक मेरी कौम के लोग कितने ही बेअमल क्यों ना हों, लेकिन हर कौम का फर्द उसकी गैरत है। मुसलमान की कौम के अंदर का एक एक फर्द, चाहे वो बदतरीन और गलीज तरीन क्यों ना हो, जब वो कलमा मोहम्मदी पढ़ लेता है उसकी नमूस की और उसकी आबरू की और उसकी इज्जत की हिफाजत हर मुत्तकी और साले पर हो जाती है। आपके कलेजों के अंदर अभी तक वो गर्मी क्यों नहीं आती जो पाकिस्तान यहां पाकिस्तान बनाते वक्त जिन्होंने हमारे साथ किया है? बदतरीन आदमी है जो अपनी नमूस और इज्जत को किसी दुश्मन के हाथों पामाल होने के बाद उसके साथ जा हाथ मिलाए। कत्ल हो जाए मर्द तो कोई बात नहीं, जमीनें और जायदादें खिंच जाए तो कोई बात नहीं, आपके घर का माल लूट कर ले जाए सारा कोई बात नहीं, दिन दिहाड़े डाका लाखों करोड़ों के जेवर और जवाहरात लूट लें, आपको माली तौर पर आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचा दें कोई बात नहीं, मगर जब दुश्मन अपनी गलाजत की इंतहा पर गिजरता है तो आ जाता है तो वो फिर नामूस पर हाथ डालता है, इज्जत और आबरू पर हाथ डालता है। ये बदतरीन दुश्मन है, इसके साथ सुलह नहीं जंग लगनी चाहिए और आखिरी वक्त तक कत्ल कर देना चाहिए उनको, या खुद मर जाओ या खुदा की राह में मार दो। मुसलमान किस बात पर तो फिर रहे हैं? एक आदमी अपना वतन त्याग कर दूसरे मुल्कों के अंदर चला गया, वह आकर आपको सबक ना दे कि तुम लोग 26 करोड़ 28 करोड़ मुसलमान हो और आप उसको कंट्रोवर्शियल बना लें। याद रखें दीन का काम करने वाले ये बात, ये जो आप आयात का इस्तेमाल करते हैं, रवादारी दिखाओ, नरमी दिखाओ, अखलाक दिखाओ, ये आयतों का गलत आप इस्तेमाल करते हैं। जाएं ये जो तुर शुरू वाली आयतें हैं और वो जो अखलाक वाली आयतें हैं इनका सियाको सबाक पढ़ें और पढ़ने के आपके सब मेरे डिस्कशन करें। वहां क्या बात की गई? वहां यह कहा गया कि जो आप पर आए तुम पर चढ़ाई कर दे तुम्हारी दावते दीन के बारे में तुम सुन लो। अल्लाह के बंदो हो, आयत की समझ नहीं आई? अगर इशारा दूं तो अगर तू तुर शुरू होता तो ये इकट्ठे ना होते। ये किन के बारे में? ये सहाबा के बारे में है कि वो जो लिसनर थे जिन्होंने सुना वो नबी के सहाब हैं, कुफार नहीं।
अपनों के साथ नबी इस तरह के तुरशुरू नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं हूँ। मेरे जैसा तो अखलाक कोई लाकर दिखाए कि मैं किसी फ़र्द को आने के बाद किस प्रोटोकॉल से बैठाता हूँ और उसकी क्या इज्जत करता हूँ, और उसकी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मैं खुद को गुला लेता हूँ कि इसको ये तकलीफ़ और ये क्यों हुई, और अपने हाथ से खाना देता हूँ और अपने हाथ से पानी बनाता हूँ, और उसके मुझे सब कहते हैं नौकर बने आप क्यों उठते हैं। लेकिन ये कहा गया है अदब और अखलाक की किताबों के अंदर कि आदमी कितना ही दौलतमंद और रईस और अमीर और नवाब क्यों ना हो, उसको चाहिए जब उसका मेहमान आए तो अपने मेहमान का खादम खुद बनकर उठे, अपने अपने नौकर से रोटी ना दिलाए उसको। बावजूद तकालीफ के हम जो उसके साथ सलूक करते हैं अपने, तो हम ये नहीं कहते वो कौन से अखलाक थे जिनके बारे में कहा गया। आयात का गलत इस्तेमाल पढ़ने के बाद आपको सारे लोग मुतनाजा नजर आएंगे, ये जवाब नहीं उसको देना चाहिए था। कुरान में आता है कि नबी आप सख्त होते तो ये ना होता, भाई आया फिर वो ईमान क्यों नहीं लाए? इसका मतलब है जो नहीं लाए उनको तुरशुरू ही लगी, तो इसका मतलब है अपने अपने ईमान का स्टेटस और मियार आपका अपना है कि किसी को लगी और किसी को ना लगी। तुरशुरू का कोई तो स्टैंडर्ड होगा जहां जाकर पता चले ये तुरशुरू है और ये नहीं है, ये फिजन गलीजा, ये सख्ती है या नहीं है। आप बहुत बुलंद अखलाक पर नबी बैठे हैं, वहां बताए ना अलम नशरा अल्लाह का सदरक, ये बताए ना आप पढ़े। ये कौन सा भाई अखलाक आपने खुद साख्ता कुफार वाला बना लिया है, और ये अखलाक को कुफार भी नहीं मानते। आप एक थप्पड़ मारें वो दूसरे 10 थप्पड़ आपको आने के मारने के लिए बैठे हैं, आपके मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाएं, वो एक करारदाद भी पास नहीं करते। अपने ही चंद 10-15-20-2000-4000 लोगों की एनजीओस को कहते तुम एहतजाज करो ताकि हमारा जो चंगेज चेहरा है ना उसके ऊपर रोशनी का एक गुलाफ आ जाए कि नहीं जी वहां बहुत एहतजाज हो रहे हैं फलस्तीन के हक में, खुद ही कह देते हैं। आप ही सियासतदान कह देते जाके आप हमारे खिलाफ एहतजाज करें। इकबाल ने कहा था मुसलमान जो है ना ये अयारियों और अपनों की मक्कारियों का ही शिकार है, बगानों ने इनका कुछ नहीं किया। देख रिश्ताए शिकस्ताए तस्बीहे शेख, इकबाल ने कहा जब ये ईद का चांद चढ़ा ना तो ए गर्राए शव्वाल, तो उसने कहा ओ चांद, तो वहां पर आकर के उसने फिर शेर लिखे तो लोगों ने खुशी की, लेकिन उसने कहा ये कौन सा चांद चढ़ा है जिस चांद के अंदर हम गुलाम हैं, ऐसे चांद की क्या खुशी करनी ऐसी ईद की जिसमें बेड़ियां पहनी हुई हों और कैदी अंदर भूख से मर रहा और उसको कोड़े और ताजियाने लग रहे हैं और वो ईद का चांद देखकर खुश हो कि ईद का चांद आ गया। तो वहां पर उसने कहा देख रिश्ता है शिकस्ता है तस्बीह शेख और बुतकदे में बरहमन की पुख्ता जिन्नारी भी देख। कहता देख मौलवी ने इतना फसाद फैलाया कि इसके अपने ही हाथों की तस्बीह यानी मुसलमान वो टूट गई और दाने बिखर गए तफरके के, और बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, और उसने कहा हिंदुओं का एका भी देख कि उन्होंने भी माला पहनी होती पर उनकी माला टूटती नहीं। पाकिस्तान बनाने में हिंदुओं के दो ग्रोह नहीं अटक हुए कि बनना चाहिए कि नहीं, वो कहते नहीं बनना चाहिए, सबने एक आवाज की, मुसलमानों ने दो कर ली, एक कहता बनना चाहिए और एक नहीं बनना चाहिए। तो फरेब का शिकार कौन हुआ? वो जिन्होंने इसका इनकार किया, हम नहीं हुए, हम नहीं हुए, हम जैसे तैसे करके हम आज जहां पे खड़े हैं। अगर वो सातवीं आठवीं ताकत है तो हम आठवीं तो हैं। वो 1.5 अरब होके 4-5-6 करें, हम 20-22-16 करोड़ होके उस जमाने में हम 7-8-9 करें। मुतनाजा ना बनाएं, जिसको देखते जो उम्मत का रिफॉर्मर और मुसले उठता है आप मुतनाजा बना देते हैं। जाकर नाइक मुतनाजा, तारक जमील मीठा मुनाजरा वो मुतनाजा, डॉक्टर इसरार पुरजोश कताबत करने वाला वो मुतनाजा, मौलाना इसहाक उम्मत को उठा रहा है खिलाफत का नाम दे रहा है वो मुतनाजा, जो बड़ा नाम आपको उम्मत को बेदार करेगा हिलाएगा ना जोर से आपको बुरा लगेगा। आपको पता है इंसानी फितरत है कि जो उसको मीठी नीचे उठाता है उसको उससे नफरत हो जाती है, उसको गालियां देता है, उसको बुरा भला कहता है। आपके घरों में आइए, जब कभी आपको जवानी का नशा होगा तो नींद से उठाने वाला आदमी सबसे बुरा आपको लगता है। इस उम्मत का अलमिया यह है कि इस उम्मत में जिसने उठाया वो रगड़ दिया गया, वो मार दिया गया, वो तबाह बर्बाद कर दिया गया। उसके अफकार, उसकी मेहनत, उसकी तपस्या, उसकी रियाजत, उसका मुजाहिदा,
उसने अपने दुखों में जिस तरह चाहा आपको दीन पहुंचाया, आपने कहा इसको मसल दो, रगड़ दो, पमाल कर दो, रोम दो इसकी शख्सियत को, एक आध बकवास करके, एक आध जाहिलाना तबसरा करके, एक आध बात कहके, अपनी औकात पहचाने बगैर कि मैं किसने दायरे का पढ़ा लिखा आदमी, औकात से मुराद दौलत नहीं है मेरे नजदीक, औकात में जब भी कहता हूं कि अपनी औकात में रहो तो उससे मुराद यह होता है कि अपना दायरा देख ले कि मेरा इल्म का दायरा क्या है। मैं ये औकात, आप तो औकात पैसे को गिनते हैं ना यार, उसकी औकात ही नहीं है। औकात के इल्मी वर्जन सामने लेकर आए कि आदमी पहले देखे कि मैं इल्म के उस दायरे पर हूं। इसके लिए दावत दीन और उसका तरीकेकार, मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि क्यों अरे खैरे को दीन की दावत देनी, बात करें कौम के बड़े लोगों के साथ। अंबिया को कहा गया कि सबसे पहले जाकर कौम के बड़े लोगों से बात करो, इन बेचारों को तो रोटी से फुर्सत नहीं, ये गुलामी में 2-2 हजार 20-20 हजार के बिल देने से आज आए पड़े, इनके तो बिलों से आगे इनको रात को पता ही नहीं चलता, इनको 2000 रुपए की रोटी बाहर मंगा के इनको खिला दो, अपने साथ गाड़ी में घुमा दो, ये फ्रेश हो जाते हैं। इनके नजदीक थोड़ी सी अयाशी, दो शवार में एक बर्गर और साथ में बोतल पानी की पिला दो और कहीं फनलैंड में झूले चला दो, ये कहते हैं फ्रस्ट्रेशन दूर हो गई। किसी अच्छी सी शादी पे ये आप डेट होके जाते हैं, कपड़े जूते पहनकर, बड़े खूबसूरत बनकर, टाइयां शाइयां लगा के, बड़े अमीर लोगों से जब सलाम ले लिया, मुझे फलाम मिला, तो फ्रेश हो गए आप लोग। किसी अमीर आदमी ने पास बुलाया, आप फौरी तौर पर सेल्फी लेके तस्वीर की, आप फ्रेश हो गए, आप सब स्टेटस लगा देते हैं फलाने के साथ मैं खड़ा हूं, तस्वीरें मेरी भी थी बड़े बड़े मुज्तहदीन कराम के साथ और इधर उधर बड़े बड़े उलमा के साथ। आजकल जो सिलसिला चलता है इस तरह तो मैं बहुत बनाता। जो लोग एक सेल्फी की औकात रखते हैं कि किसी के साथ खड़े होने के बाद, इंतहाई नर्ग, ये लोग इंतहाई पस्त होते हैं जो भागकर किसी आदमी के साथ जाकर सेल्फी बनवाते हैं, बड़े पस्त होते हैं, आपको भी पता ही नहीं इस नफ्सियात का, अपने वजूद में जान ही नहीं, किसी के जानदार वजूद के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि मुझमें भी जान आ गई है, ना अपनी अखलाकियात, ना अपना स्टेटस, ना कुछ और, ना कुछ चीज, ना कुछ भी नहीं, माशरे में नथिंग। अभी कल ही मैंने एक मजमून लिखा है, इस कदर गहरा मजमून है, मैं खुद ही पढ़ू और खुद ही रहूं और रोता ही रहा, मैं लिखता रहा रोता रहा, सारा मेरा सफा वो आंखों आंसू से भीग गया। मैंने लिखा तुम कुछ भी नहीं हो, बस इस पे लिखा तुम कुछ भी नहीं हो। मैं किसी से हद दर्जे नाराज हो जाऊं तो मैं यही कहता हूं कि तुम कुछ भी नहीं हो, आपको क्या पता तुम कुछ भी नहीं हो। जब मैं उसको डिफाइन करूंगा वो 4-5 सफे वो क्या होते हैं, ओह माय गॉड, मैं कहता हूं कोई और गाली हमें दे दे मगर ये ना कहना तुम कुछ भी नहीं हो। इकबाल ने कहा कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो ए नौजवान मुस्लिम तो पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, कहता तुम मिट्टी के पुतले अपने अंदर जान पैदा करो। कुछ जबरील को पता चले कि मोमिन हुआ है, कोई इबलीस को पता चले कि वो मोमिन हुआ है, ये नार और नूर दोनों हक्के पक्के रह जाए कि खाक कहां से उठ रही है और जा कहां को रही है। जबरील भी हैरान और इबलीस भी हैरान और सिदरतुल मुंतहा पे जा रही है बशर मिट्टी, आलम बशरियत की जद में है गर्दू, किसी जमाने में आदम को बिठाकर वहां पर बहसें हुई थी, जबरील भी था और इबलीस भी था, नूर भी था और नार भी था। यहां से नबी अलैहिस्सलाम बशरी हालत के अंदर, और बशर किससे बना है, उठता है और जाकर के सिदरतुल मुंतहा में जबरील भी पीछे और वो भी पीछे, कहा ना नूर ना नार, हम हैं, हम हैं। आज का मोमिन जो है वो ना नूर है ना नार, या वो किसी नूर में फंसा हुआ है या किसी नार में फंसा हुआ है, गुनाह की जिंदगियां बसर करे और मुतनाजा बना ले उलमा कराम को, ये जुल्म है। आपको अगर पसंद नहीं है तो उस पर कम से कम एक बात आप अपनी जहालत का इतराफ करते हुए कहा करें, मुझे इसका इल्म नहीं है। जी तो चाहता था मैं डॉक्टर साहब को यह पैगाम देता कि आप मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हैं और अफजल व आला हैं और बड़े शानदार हैं और बड़े जोर से खड़े हैं, बेलाग तबसरे करते हैं गैरों पर आप, तो हमारे जैसे जाहिल मुल्कों में अगर आप कभी सफर फरमाएं तो ला अदरी का फलसफा समझ कर आए। हमारे जाहिल लोग, ला अदरी का मतलब है कि मैं नहीं जानता, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। इससे आपकी कम से कम आबरू तो बच जाएगी। इन जाहिलों को आकर के आप जब यहां आए
तो लादरी का थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखें ताकि इन जहला के तबसरों से तो बच जाए। इनको प्रॉपर इलम नहीं हजम होना, आप इलम बांट रहे हैं इनके दरमियान में। ला अदरी उल्मा ने कहा है निस्फ इलम से ज्यादा है, निस्फ इलम है जिसको ला अदरी कहना आ गया ना, कहते हैं उसके पास निस्फ इलम आ गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी स्पेन से आया, आकर उसने आपसे सवाल किए 150 सवाल, और उसने कहा इमाम मैं आपसे पूछता हूं तो आप हर बात पर मुझे कहते हैं लादरी, मुझे नहीं पता इतनी दूर से सफर आया। फरमाया जहालत का फतवा बगैर इलम के मैं फतवा तुमको दूं से बेहतर नहीं, मैं कह दूं मुझे कुछ इलम नहीं, जाओ जाकर अपने इलाके के आलिम से पूछे इन मसाइल को, और स्पेन में सबको बता देना कि इमाम मालिक को कोई जवाब नहीं आया। यह आलम अगर आपने ढूंढ लिया ना, यह आलम अगर आपने ढूंढ लिया वो सच्चा आलम है। इसी वजह से हम सब फंसते हैं, मेरे समेत हम जितने ये कैमरों के सामने बोलते हैं ना, हम खुद ही ऐसे फंसते हैं इसके दरमियान में, बाद में हमें जवाब नहीं आता। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज सऊदी अरब के मुफ्ती आजम रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, तो शागिर्द आया आकर कहा उस्ताद जी ये आपकी रिकॉर्डिंग में एक आदमी ने सवाल पूछा और आपने उसे कहा कि ला अदरी मुझे नहीं पता, तो मैंने वो जगह काट, मैं वो जगह काट के तो आगे कर दूं, ये ऑकवर्ड सा फील होता है। तो शेख नबीना भी थे लेकिन बसीरत वाले थे, फरमाया नहीं नहीं रिकॉर्डिंग के अंदर ये आना चाहिए कि मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आया, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत से सवालों का जवाब शेख अब्दुल अजीज बिन बाज को भी नहीं आता था। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहूंगा कि आप ला अदरी के फलसफे पे चले जाया करें, हमें इतना इलम अभी हजम नहीं होता, हम कहां। इसीलिए बहुत सी चीजें मैंने कहा कि वक्त पे मौत देखे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से एक अहले हदीस आलिम आए बहस करने सियालकोट में, मौलाना ने रखी उनसे मुलाकात, उन्होंने शहर में इश्तिहार दे दिया मौलाना मौदूदी से मेरा मुनाजरा। तो वो शाम को आए तो मौलाना पढ़ रहे थे, आलिम भी बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि आप सोच नहीं सकते, क्या उनका नाम लेना। तो मौलाना के बैठे मौलाना ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा मौलाना आप फिर वक्त मुकर्रर पर आए नहीं। फरमाया हमारी तो गुफ्तगू तय हुई थी, मुनाजरा तो तय नहीं हुआ था, हमारी तो गुफ्तगू तय हुई थी शाम को 4 बजे, आपने मुनाजरे का इश्तिहार दे दिया। तो इस तरह से कीजिए, अब आपको जहमत भी ना हो और आप चूंकि इश्तिहार दे चुके हैं तो आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं ही आपको एक तरीका बताता हूं इस एम्बेरसमेंट से निकलने का। लाइए कलम और मैं लिख देता हूं कि मैं मौलाना, मैं सैयद अबुल आला अल मौदूदी मौलाना फुला से मुनाजरा हार गया हूं, और नीचे दस्तखत कर दिए। यह बात मौलाना इसहाक साहब ने अपनी जिंदगी में, अल्लाह मरहूम को जन्नत जगह अता फरमाए, मैंने कहा मौलाना वो तो शोर हो जाएगा आप मुनाजरा हार। उन्होंने कहा पेंसिल लाओ और कापी लो, मैं अभी लिख के देता हूं कि मैं हार गया। मुझे रवैयों ने सिखाया मौलाना से इलम, किताबों ने नहीं सिखाया। मैं भी ऐसा ही सरकश दिमाग का आदमी था, वो तो उस्ताद जी के कभी आंसू, कभी रवैया, कभी उनका तहम्मल, कभी उनकी खामोशी, कभी उनका देखना, हजारों चीजों ने मुझे परेशान ही कर दिया। वरना वो आदमी अगर मुनाजरे पे आता तो उसे हराता कौन। और याद आज मैं आपको एक रख लूं, एक बात आप अपने पास पल्ले में बांध लें, मैं मर भी जाऊं ना तो पल्ले में बांध लें, शैतान और नफ्स दो अंदर की चीजें, काफिर मुनाफिक और कमजोर ईमान का आदमी, तीन बंदे बाहर के हैं, ये सबसे पहले आपको अपने मुर्शिद के खिलाफ करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इसकी छोटी छोटी कमजोरियां और बातें हम दिखाएंगे ये नफरत कर जाएगा, फिर किसने इसकी सलाह करनी, खुद ही जुमा पढ़ना छोड़ जाएगा, खुद ही आना बंद कर देगा, उसको ऐसी पट्टी पढ़ाएगा। उसके बाद सबसे पहले ये ऐप दिखाते, उसका एक ही हाल है, एक ही हाल है, और वो नबी अलैहिस्सलाम दे गए और अल्लाह ने हमें बचा लिया। अगर वो आयत ना उतरती सारे मौलवी भी गए थे, हम भी गए थे, सब खत्म। अल्लाह ने कहा सारे बशरों में कमजोरियां होनी है, कोई मिजाज का तलख, कोई नरम, कोई सख्त, कोई जलाली, कोई जमाली, कोई कुछ कुछ कभी बक दे, कुछ गाली निकल जाए। अल्लाह ने कहा लो मोमिनो तुम्हारे दिल को ठार दूं, तुम्हारे सीने में ठंडक आ जाए, चैन और सुकून की जिंदगी बसर करो। एक खूबसूरत आयत और प्यारी प्यारी आयत
और दिलचस्प और मज़ेदार, और जितना उसको पढ़ते जाएं, जितना उसको सुनते जाएं, पढ़ पढ़ के मौलवियों ने आम कर दी, मगर इतनी खास थी कि ऐसी आयत पूरी दावत की राह में और किसी से सीखने और लर्निंग की राह के अंदर, लर्निंग की राह के अंदर इससे अच्छी आयत नहीं। आप देखो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत और खिजर अलैहिस्सलाम का तहमुल। तो आप अपने आप को क्यों नहीं उजलत वाला मानते कि इतना बड़ा नबी उजलत में आ गया तो मैं क्यों नहीं आ सकता? ये मेरा आजिलाना तबसरा है, जल्दबाजी का तबसरा है। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, आयत खत्म, दावत खत्म, मौलवी सब बच गए, आपकी राह सीधी, आप शहद की मक्खी की तरह बैठे, चूसे लें, इंजॉय करें। मुर्शद से जो अपना इलाज कराना है, डॉक्टर साहब के पास आप दवाई लेने आए हैं, आप पूछने बैठ जाएं डॉक्टर साहब आपके बच्चे कितने हैं, आपकी बीवी कहाँ रहती है, डॉक्टर साहब आपकी नाक टेढ़ी है, आज सुन्नत के मुताबिक आपने दाढ़ी भी रखी, आज आपकी शलवार ऊपर नहीं है, डॉक्टर साहब नफल नहीं पढ़ते, फर्ज नहीं पढ़ते, डॉक्टर उधर तो कोई मियार नहीं है। किसी अच्छे मुत्त की बेकरी वाले से लिया करें ना बेकरी, परहेजगार से फ्रूट लिया करें, किसी साले और शहीद के बाप से आप जाके सब्जियां लेकर आया करें, और किसी मुत्तकी बैंक में पैसे जमा कराया करें। हैं जी, जब सौदा लेने उसे बैठा ले, उन्हें कहा पहले रसूल्ला के मियार पे मैं तुम्हें परखूंगा, फिर प्लाट का सौदा होना। डॉक्टर साहब के पास कोई बंदा आए, ना ना पहले दसो तुम नमाजा कि पढ़ते, फिर मैं थोड़िया अखा चेक कर। अमिया शोएब जाए बाजार और जाके वहां से कहे ना बाबा ना आप मुत्तकी नहीं है इसलिए मैं तो जूस नहीं पीना आपसे। सुभान अल्लाह, ये शैतानी फरेब है मेरी जान, ये शैतानी फरेब है। चुप करके किसी को इतने नबी के मियार पे ना तोले, कमियां कुताहियां बर्दाश्त करें, अपने फर्द को आगे बढ़ाएं। काफरों के सारे राइटर और इनके बड़े बड़े लोग, अगर मैं उनके गुनाहों की पर्सनल ऑटोबायोग्राफी को रख के 50, 60, 70 आपको बताऊं, वो खुद ये कहता है मैं ये काम दिन रात करके सोता हूं, तो आप उन्हें इंसान छोड़े जानवर भी ना माने, इतने गिरे हुए हैं। ये अफलातून और रसू और सुकरात और बुकरात की मैं उनकी पर्सनल हिस्ट्रीज आपको सुनाऊं, आप कानों को हाथ लगाएं, अच्छा इनके हवाले देते हम, लेकिन उन्होंने किया क्या? उनकी सब चीजों को छुपा दिया, उनके अफकार को बुलंद कर दिया, और अपने माशरे में उन्होंने कहा कि ये बड़े लोग होते हैं। आपने बड़े लोगों के सारे बड़े बड़े बातों को और सालेपन को छुपा दिया और उनकी छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना के सामने ले आए, जिसके नतीजे में वो आया हुआ बंदा पूरी कौम को से फायदा उठाना चाहिए था, लोग उसके जलसों में जाते, और क्यों वो गए इन छोटे मोटे और इतने बुरे ये मुंतजमीन, मुझे तो हैरत हुई। ओ माई गॉड, मैं अब कराची गया तुमसे मुलाकात करके आऊंगा बिन्नौरिया वालों से, आपको चॉइस ही नहीं आई कि बंदा कौन सा सवाल करने के लिए आगे लेके जाना है। उसे कहते हैं अपना सवाल लिखिए, नहीं तो लिखवाइए, हमें पता तो चले आप क्या कहने लगे। देखे ना, अखलाक की गिरी हुई आदमी ने सिर्फ पहला नंबर मेरा आ जाए, पूरी कौम का नुमाइंदा है वो आदमी, और उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, और वो आगे आने के बाद जब सवाल कहता है मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मैंने तो अपनी बारी लगाने के लिए झूठ बोला था कि जल्दी बारी आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा पढ़ो फिर कलमा, अब ये कलमा पढ़ाने पे भी एक आदमी ने यही कह दिया मैं ईसाई हूं। किस हौसले से उसने कहा होगा यार एक इतना सा नफा कि मेरी बारी जल्दी आ जाएगी। आप सोचें ये आदमी किस कदर बिकाऊ होगा कि इसके आप 50,000,000 देके किसी का कुछ करा लें। वो जो बाजार है उसमें नीचे भाई और बाप ही खड़े होते हैं जो ऊपर अपनी बेटियों और बहनों के सौदे करते हैं, मसाले हैं। आपको शर्म नहीं आई और आपने जिसको जी चाह कर दिया आगे खड़े हो जाओ भाई, जाके डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर लो। आप सिलेक्ट करें, इंटरनेशनल मीडिया पे बात जानी है, उस आदमी के सामने वो आदमी आए जिसकी कोई उलझन है। वो लोग उसके सामने पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं, तो उसे रोकना ही था ना। वो कहती पाकिस्तान के अंदर ये भी होता है, नमाज भी पढ़ते हैं, उसने तो हमारे कंट्री को बचाया, उसने हमारे कंट्री से मोहब्बत का इजहार किया, उस बंदे को बात नहीं करने दी। एक और क्रिश्चियन ने सवाल किया, उसने कहा यहां तो आग, उससे कहा बस भाई आपका सवाल मुकम्मल हुआ, आप बहस ना करो, तकरीर ना करो, आप हटो यहां से। वो क्रिश्चियन मजलूम बना हुआ था, डांट दिया, डपट दिया भाई, डांट डपट त्राश खराश, इतने कीमती हीरे मोती और जवाहरात हैं, वल्लाही आज उस आजी आ जाए और जूतों से पीठ डाल लेना मुझे, बस वापस आ जाए। हम पता नहीं कैसे
करख्त, नोकदार, नुकीले, खुरदरे, दरिंदे और चीरने फाड़ने वाले लोग हैं, कोई भी तो हमसे नहीं बच रहा, कुछ भी तो बचा लें। ये सुम्मत का अलमिया है, आ जाएगा सारा कुछ, आपके यहाँ इस्लाम भी आ जाएगा। हर आदमी ने एक तराजू पकड़ी है, कोई सोच रहा है कि ये सुन्नी है, कोई दियोबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, यकीन जाने वो शिया भाई ने बात की, चलो उससे तो अच्छी की, लेकिन उसने निपटाया कि जाकिर से एक बात इमाम हुसैन वाली जवानी में निकल गई, उसने कहा उसको रेपिटेट उसने नहीं रेपिटेशन की, तो हमने गिला था वो कर दिया, वो ख़त्म हुआ, उठ के उसने कहा ही नहीं कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझसे ये, उसने अपनी बात शुरू करी। उसकी नज़र में बहुत बड़े काम है, बहुत बड़े काम है। आप कोई बड़ी उम्मत बनने की कोशिश करें, ये कंट्रोवर्शियल ना बने, तो उलमा की कदर करना सीखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको उलमा के करीब होने की तौफीक अता फरमाए।